नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीएसएससी से डेयरी में 100 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के भीम सिंह की तारीफ की। बिहार के सरकारी चिकित्सकों के लिए मॉडल ड्यूटी रोस्टर तैयार। शिक्षा विभाग ने 3 पदाधिकारियों का किया डिमोशन। मोहम्मद शमी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया सम्मानित। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएससी से डेयरी में 100 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। बीएसएससी से डेयरी में 140 पदों पर भर्ती निकली है। डेयरी विभाग ने भर्ती के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियां का प्रस्ताव भेज दिया है और इसमें डेयरी फील्ड ऑफिसर और 29 पशुधन सहायक के पद खाली है। आपको बता दें कि पदों को भरने का मकसद है कि पशुपालक तक योजनाओं का फायदा पहुंचे और राज्य पदवर्ग समिति और इसके साथ ही वित्त विभाग ने बहाली को पहले हरी झंडी दी और तकनीकी सेवा आयोग और इसके साथ ही राज्य कर्मचारी आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग रिक्तियां भेजेगा। ये रिक्ति तकनीकी सेवा आयोग के साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी और लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान नहीं करेगा शिक्षा विभाग। अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान सरकार नहीं करेगी। आपको बता दें कि बिहार उच्च शिक्षा विभाग ने मानदेय का भुगतान करने से साफ तौर पर मना किया। आदेश जारी किया गया है कि विश्वविद्यालय को अपने आंतरिक स्रोत से मानदेय भरना पड़ेगा और इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने पत्र जारी किया और इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को पत्र भेजकर कहा गया है कि 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों में 16,76,00,000,000 से अधिक की राशि है और विश्वविद्यालय को इस राशि से ही अतिथि शिक्षकों के वेतन का भुगतान करना है। शिक्षा विभाग ने 3 पदाधिकारियों का किया डिमोशन। शिक्षा विभाग ने 3 पदाधिकारियों का डिमोशन किया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक चर्चा में बने हुए और इस बीच विभाग ने 3 डीईओ को डिमोट कर दिया। विभाग की अधिसूचना के अनुसार बांका, लखीसराय और बेगूसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी का डिमोशन किया गया। प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर इन्हें डिमोट कर दिया गया और लखीसराय में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत विमलेश कुमार चौधरी को अगले आदेश तक के लिए शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी मधुबनी के पद पर भेज दिया गया और इसी तरह से बांका और बेगूसराय के डीईओ को अगले आदेश तक के लिए डिमोट कर दिया गया। फर्जी बीमा पॉलिसी बनाकर कंपनियों को लगाया करोड़ों का चूना। टाटा, एआरजी जनरल इंश्योरेंस और अन्य कंपनियों के फर्जी बीमा पॉलिसी बनाकर लोगों के साथ ठगी की घटना हुई और जानकारी के अनुसार करीब 3,12,00,000 की ठगी हुई। इस मामले में टाटा एआईजी कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर शशि शेखर सहोदे के बयान पर साइबर थाने में मामला दर्ज हुआ। एक वेबसाइट के धारक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उसके बाद एसएसपी ने आदेश दिया है और उसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया और फर्जी बीमा पॉलिसी जारी कर दी। इस पर लॉगिन करने और वाहनों के मेक और मॉडल, पंजीकरण संख्या आदि भरकर बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही थी और आशंका जताई जा रही है कि किसी गिरोह ने इस करतूत को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के भीम सिंह की तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के भीम सिंह भवेश का नाम लिया है और पीएम ने सामाजिक कारणों से इनका नाम लेकर इनकी तारीफ की और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे देश में अनगिनत लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरे लोगों की सेवा करते हैं। ये दूसरे लोगों के प्रति अपने जीवन को समर्पित करते हैं और बिहार के भोजपुर के रहने वाले भीम सिंह भवेश मुसहर समाज से आते हैं। इन्होंने करीब 8,000 बच्चों का स्कूलों में दाखिला करवाया, साथ ही इन्होंने एक बड़े से पुस्तकालय का निर्माण करवाया है। इस कारण कई बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी है कि भीम सिंह ने 100 से अधिक चिकित्सा शिविर लगवाए। हमारी संस्कृति की सीख है कि दूसरों की मदद करना हमारा पहला कर्तव्य है। बिहार के सरकारी चिकित्सकों के लिए मॉडल ड्यूटी रोस्टर तैयार। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में है और बिहार के सरकारी चिकित्सकों के लिए मॉडल ड्यूटी रोस्टर तैयार किया गया। इसके अनुसार उन्हें सप्ताह में 48 घंटे ड्यूटी करना अनिवार्य कर दिया गया है और ओपीडी, इमरजेंसी ओपीडी और लेबर रूम की रोस्टर ड्यूटी के अनुसार काम करना है। विभाग रोस्टर ड्यूटी के मुताबिक मॉनिटरिंग करेगा और इसके लिए डिस्प्ले बोर्ड को तैयार किया गया। मॉडल ड्यूटी रोस्टर को जिला अस्पतालों के अधीक्षक और उपाध्यक्ष को भेज दिया गया। जिला अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं को 3 शिफ्टों में बांटा गया है और सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक सुबह की शिफ्ट है। मालूम हो कि विशेषज्ञ चिकित्सकों को सप्ताह में कम से कम 2 दिन ओपीडी और 2 दिन ऑपरेशन थिएटर में सेवा देनी होगी। इमरजेंसी जांच और दवा की सेवा 3 शिफ्टों में 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहेगी।
बागमती की पुरानी धारा से किसानों को मिलेगा लाभ। बागमती की पुरानी धारा से अब किसानों को लाभ मिलेगा। दरअसल इसकी मदद से अब खेतों में अच्छी फसल होने वाली है। खुदाई के साथ पुरानी धारा पर पानी आ चुका है और उससे किसानों को सिंचाई में मदद मिल चुकी है। नेपाल से निकलने वाली बागमती नदी से देवापुर बेलवा के बीच 2000 हेक्टेयर के खेत में पानी पहुंचा है और इसके जरिए बाढ़ के पानी को नियंत्रित भी किया जाएगा। डिस्चार्ज होने वाला पानी सीधे मीनापुर खरार के पास बूढ़ी गंडक में गिर जाएगा। फिलहाल किसान ने खेतों में सिंचाई कर दी है और जानकारी के अनुसार खुदाई का काम पूरा हो जाने के बाद नदी के दोनों ओर फसल होगी। आपको बता दें कि 70 किलोमीटर की धारा की दूरी में पुरानी धारा में खुदाई की जाएगी। होम्योपैथिक दवा की आड़ में शराब की तस्करी। होम्योपैथिक दवा की आड़ में शराब की तस्करी हुई है। उत्पाद विभाग की टीम ने पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 20,000 शराब की खाली बोतलों को जब्त किया, साथ ही 7 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार इस फैक्ट्री में होम्योपैथिक दवा को बनवाने के लिए स्प्रिट की सप्लाई होती थी, लेकिन अवैध तरीके से उससे शराब का निर्माण हो रहा था और पुलिस ने शराब के तस्करों से पूछताछ की। इसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि ये लोग लंबे समय से शराब की तस्करी कर रहे थे। ऑनलाइन लोक शिकायतों के लिए कार्य योजना तैयार। ऑनलाइन लोक शिकायतों के लिए जल संसाधन विभाग ने कार्य योजना को तैयार किया है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई वेबसाइट पर की गई शिकायतों का तुरंत निपटारा होगा। खासकर जल संसाधन से जुड़ी बाढ़ सिंचाई की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी और जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में अधिकारियों को आदेश दिया है। इस पर भारत सरकार की वेबसाइट पर आने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश है। आपको बता दें कि इसके साथ ही इनके नियमित तौर पर मॉनिटरिंग को लेकर आदेश दिया गया है। संबंधित अधिकारी को नियमित दिशा निर्देश देने की बात कही गई और जानकारी के अनुसार फीडबैक के रूप में भी शिकायत की जाती है। दरभंगा एयरपोर्ट पर होगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर अपडेट सामने आई है। यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं होगी। बताया जाता है कि साल 2021 में डीएमसीएच की जमीन दरभंगा महाराज के नाम पे थी। इसके बाद तत्कालीन डीएम ने म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू की। फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट के लिए निविदा का प्रकाशन कर दिया गया। यहाँ कई तरह की सुविधाएं होगी, इससे यात्रियों को फायदा मिलेगा। मालूम हो कि दरभंगा एयरपोर्ट के बन जाने के बाद लाखों यात्री यहाँ से सफर तय करने वाले हैं और दरभंगा जिले के आसपास के लोगों को भी एयरपोर्ट के निर्माण के बाद फायदा पहुंचेगा। वहीं डीएमसीएच के बारे में बता दें कि इसके विकास को लेकर भी काम किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर कुलपतियों को दी चेतावनी। शिक्षा विभाग ने कुलपतियों और पदाधिकारियों को पत्र जारी करके तीसरी बार चेतावनी दी है। इस पत्र में कहा गया है कि कुलपति अगर 28 फरवरी की बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग की उच्च निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने पत्र जारी किया। इसमें पूर्णिया विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय बोधगया के कुलपति और कुल सचिव को चेतावनी दी गई और इनके अलावा सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 28 फरवरी को बैठक में भाग लेना जरूरी कर दिया गया। इस पत्र में पूछा गया है कि किस नियम के तहत प्रशासनिक विभाग में भाग लेने के लिए अन्य प्राधिकार से अनुमति मांगना जरूरी समझा गया और उसके साथ ही समीक्षा बैठक में भाग नहीं लेने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सुशील मोदी ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन 3 मार्च को रैली को लेकर बड़बोले दावे कर रही है, यदि हिम्मत है तो विपक्ष इस रैली में अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करे। इस गठबंधन में अब ना ही नीतीश कुमार है और न जयंत चौधरी और न ही ममता बनर्जी, ये सीट शेयरिंग पर भी तैयार नहीं है। सुशील मोदी ने आगे कहा कि ये टूटी फूटी गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के विजय रथ को चुनाव में नहीं रोक पाएगी। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, लेकिन पंजाब में कोई भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का दूसरा चरण शुरू। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान तेजस्वी यादव का 1400 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। दूसरे चरण में आम सभा के बजाय रोड शो की योजना तैयार हुई है और हाजीपुर से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये महुआ, कल्याणपुर, लहेरिया सराय, मधुबनी और झंझारपुर होते हुए सुपौल पहुंचेगी। यहाँ पर रात्रि विश्राम भी किया जाएगा और इधर 26 फरवरी को तेजस्वी यादव सुपौल से त्रिवेणीगंज, अररिया, जोकीहाट, किशनगंज, नौगछिया, भागलपुर होते हुए बांका में रात्रि विश्राम करेंगे और 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की महारैली होने वाली है। जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है और साथ ही तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को याद करते हुए एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जब तेजस्वी यादव कहते थे कि कई पद बिहार में खाली है और कई लोगों को नौकरी दी जा सकती है तो एनडीए के नेता उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर कई लोगों को नौकरी दी।
सरकार बनाकर लाखों लोगों को नौकरी दी गई है। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि वो पहले कहते थे कि नौकरी देने के लिए पैसा कहां से आएगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने लोगों को रोजगार दिया और सभी को समय पर वेतन मिल रहा है। हम सरकार में रहते तो और लोगों को नौकरी देते, लेकिन अभी तेजस्वी यादव अपने लोगों के बीच घूम रहे हैं। मोहम्मद शमी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मोहम्मद शमी को सम्मानित किया। तेज गेंदबाज ने साल 2023 में बढ़िया प्रदर्शन किया और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में उनका शानदार गेंदबाजी के कारण ही भारत को फाइनल में पहुंचने में मदद मिली थी और उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। दिग्गज गेंदबाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की और साथ ही उन्होंने कहा है कि रोमांचित महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश श्रीदेव, रजनीत मिश्रा, गोनर शर्मा, सदुल्ला पालवी, छोटू राजा, नवल किशोर झा, रवि कुमार राम, तस्लीम जीवा, संजय कुमार, गिरजा मंडल, नौशाद रजा, पिंकी वर्मा, राजीव सदा, दीपू चंद्रा, मोहम्मद शकीर हुसैन, वेद प्रकाश सिंह, संघर्ष कुमार, पवन सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है कि आप रोड पर चलते समय ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।